सोशल मीडिया पर ये कुछ तस्वीरें वायरल है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए ऑल्ट न्यूज ने इन्हें ब्लर कर दिया है। इन्हें शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि लव जिहाद के चलते इस लड़की की हत्या कर दी गई। साथ ही यूजर्स हाल में श्रद्धा वालकर हत्याकांड का जिक्र भी कर रहे हैं, जिसमें आफताब ने बेरहमी से श्रद्धा को मार दिया था। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से नहटोर से भाजपा विधायक ओम कुमार ने ये तस्वीरें ट्वीट करते हुए इस घटना को लव जिहाद का एंगल दिया। हिंदी खबर से जुड़ी संवाददाता आंचल यादव ने भी यही दावा किया। वहीं और भी कई यूजर्स ने ये तस्वीरें इसी दावे के साथ ट्वीट की। हालांकि जांच करने पर ऑल्ट न्यूज ने पाया कि सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा बिल्कुल गलत है। कई मीडिया संगठनों ने इस घटना के बारे में रिपोर्ट्स पब्लिश की थी। 18 नवंबर को यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर एक ट्रॉली बैग में एक लड़की की लाश मिली थी। मथुरा पुलिस ने इस घटना के बारे में ये बयान जारी किया था। ये परसों एक रायाकट के पास एक युवती का रेड बैग में ट्राली बैग में डेड बॉडी मिली थी, जिसकी शिनाख्त के लिए हमारी पुलिस की कई टीमें लगी हुई थी। आज हम लोगों को सूचना मिली और उसके परिवार के उसकी माँ और उसके भाई आए हैं, उन्होंने उसकी पहचान की है। ये लोग बदरपुर थाना क्षेत्र दिल्ली के रहने वाले हैं और अब उनके परिवार से हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि क्या गतिविधि रही है और आगे हमारी क्या कार्यवाही होगी। परिवार जैसे ही हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देगा हम लोग आगे उसके बढ़ेंगे। खबरों के मुताबिक लड़की की पहचान उसकी मां और भाई ने की थी। ये लाश 21 साल की आयुषी यादव की है, जो दिल्ली के बदरपुर में रहती थी। आर्टिकल में आगे कहा गया है कि आयुषी यादव की हत्या उसके पिता ने की थी। इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया था कि कुछ दिनों पहले आयुषी अपने पापा नितेश यादव को बिना बताए कहीं चली गई थी। इस बात पर गुस्से में आकर नितेश ने अपनी बेटी को गोली मार दी और बाद में उसके शरीर को प्लास्टिक में लपेटकर उसे एक ट्रॉली बैग में भर दिया और उसे उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पे फेंक दिया। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आखिरकार लड़की के पिता को ढूंढ निकाला। पूछताछ में पिता ने बेटी की हत्या करने की बात कबूल की। मथुरा पुलिस ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा। 18 तारीख को सुबह वृंदावन तट पे एक लाल सूट केस में एक युवती का शव मिला था, जिसपे गोलियों के निशान थे। उसकी शिनाख्त के लिए हमारी कई टीमें लगी थी, करीब 14 टीमें काम कर रही थी। मैनुअली हम लोगों ने उसकी शिनाख्त की और बदरपुर थाना क्षेत्र दिल्ली की रहने वाली युवती है। जो पूछताछ में जानकारी आई कि ये 17 तारीख को दिन में इसके फादर से इसकी कहा सुनी हुई थी। ये लड़की अपने मर्जी से एक लड़के से शादी कर ली थी, जिसको लेकर परिवार में मनमुटाव चल रहा था और उसी कहा सुनी में फादर ने इसको 2 गोली मारी थी। लाश को रात में घर में ही रखे रहे और सुबह 3 बजे के आसपास अपनी ही गाड़ी से माँ और बाप दोनों लोग लेके उसको लाल सूटकेस में रख के ले आए और यहाँ डाल के वापस चले गए थे। हमारी पुलिस ने जांच में ये पाया कि माँ और बाप के बयानों में अंतर है। जब हम लोगों ने इस पर ठीक से बात की तो ये बात खुलती चली गई और उन्होंने स्वीकार किया कि ये हमने अपने घर में ही इसकी हत्या करके यहाँ डेड बॉडी ला के डाली थी। सर वजह क्या थी इस हत्या? लड़की चूँकि बालिग थी और अपने मर्जी से एक छत्रपाल नाम के लड़के से शादी कर ली थी आर्य समाज मंदिर में। इसको लेके परिवार में काफ़ी मनमुटाव था और लड़की बिना बताए भी घर से चली जाया करती थी, जिसको लेके माँ बाप टोकते रहते थे। सोशल मीडिया पर इस मामले को सांप्रदायिक एंगल देने के बाद कुछ पत्रकारों ने भी ट्वीट करते हुए इन दावों का खंडन किया था। यानी ऑनर किलिंग की घटना को सोशल मीडिया पर लव जिहाद का एंगल देकर इस मामले को सांप्रदायिक रंग दिया गया।